हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आज के न्यू ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो हम बात करने वाले हैं आहूजा का 1300 वाट का टॉप। और ये टॉप है आहूजा ने हाल ही में मतलब 2-4 महीने पहले ही लॉन्च किया है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आहूजा का इस टॉप का करने वाले फुल रिव्यू। आहूजा के इस टॉप में कौन से स्पीकर डाले हैं आहूजा ने, इसके कैबिनेट और इसके लिए बेस्ट एम्पलीफायर है कौन सी रहने वाली, उसके बारे में बात करेंगे। और आहूजा के 4 टॉप का क्या प्राइस रहने वाला है मार्केट में लेटेस्ट, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा आहूजा का SPX 1510, जो यहाँ पर 1515 का टॉप है। और ये फ्रेंड्स हमारा 1300 वाट RMS पावर के साथ में हमें मिल जाता है। यहाँ पर फ्रंट लूप की बात करें तो फ्रंट लूप को इस टाइप से देखने को मिल जाता है। यहाँ पर टॉप की बात करें तो यहाँ पर एक 4 कॉर्नर वाला बॉक्स मिल जाता है। इसकी यहाँ पर आप फ्रंट पैनल से ग्रिल देख सकते हो। यहाँ पर इसकी आहूजा की ब्रांडिंग हमें देखने को मिल जाती है। और स्पीकर का डिज़ाइन काफ़ी कॉम्पैक्टली हमें देखने को मिल जाता है, यानी जिस टाइप से इसका कैबिनेट का डिज़ाइन एक परफेक्ट साइज में हमें मिलता है। यहाँ पर ग्रिल की बात करें तो यहाँ पर आहूजा की ब्रांडिंग देख सकते हो और काफ़ी अच्छी क्वालिटी का ग्रिल यूज किया गया है। फिनिशिंग काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पर इसको मिल जाते हैं केयरिंग के लिए हैंडल्स। और उसके अलावा फ्रेंड्स, इस टॉप के कैबिनेट की बात करें तो इस कैबिनेट के जो जॉइंट है वो पूरे के पूरे एलन की स्क्रू से फिट किए गए हैं। यानी इस कैबिनेट की जो लॉन्ग लाइफ है वो काफ़ी बेटर रहने वाली है। यानी एक बार ये टॉप ले लेते हो तो इस टॉप के साथ आप 5 साल या 10 साल बड़े आराम से निकाल सकते हो, ऐसा ये टॉप हमें देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं इसके स्पेसिफिकेशन की। तो फ्रेंड्स, बात करें तो मॉडल की, तो इसका मॉडल SPX 1510 मिल जाता है। और इसका पावर है वो 1300 वाट प्रोग्राम पावर के साथ में रहता है। RF ड्राइवर के लिए 15 इंची के 2 स्पीकर, HF के लिए 1 HF यूज़ की गई, SPL 103 dB का मिल जाता है। इम्पीडेंस ये 4 ओम्स के साथ में रहता है। और वेट है इसका वो 76 kg के रहने वाला है। तो फ्रेंड्स, ये हो गए हमारे इस टॉप की स्पेसिफिकेशन। इसके अंदर आहूजा के L15MB650 के स्पीकर है वो यूज़ किए गए हैं, जो यहाँ पर लो मिड वाले टॉप के स्पीकर है। और उसके कारण इसका परफॉर्मेंस काफ़ी बेटर रहता है। यानी इस टॉप के अंदर हमें लो फ्रिक्वेंसी है वो भी काफ़ी बेटर देखने को मिल जाती हैं। तो अब फ्रेंड्स, बात करते हैं हमारे इस टॉप के लिए बेस्ट एम्पलीफायर की। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, हम आहूजा का ये टॉप ले रहे हैं तो यहाँ पर इसके लिए आहूजा की एम्पलीफायर लेकर चला सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, 4 टॉप के लिए बेस्ट एम्पलीफायर की बात करें तो यहाँ पर फ्रेंड्स, आप इस 4 टॉप के लिए आहूजा की LX6000 एम्पलीफायर ले सकते हैं और उसको 2 ओम्स पर ऑपरेट कर सकते हो। एम्पलीफायर भी काफ़ी अच्छी है यहाँ पर, जो 2 ओम्स का आपको रेस्पॉन्स देती है। यहाँ पर फ्रेंड्स, आप 2 टॉप लेना चाहे तो यहाँ पर फ्रेंड्स 2 टॉप लेकर चला सकते हैं। 3000 जैसे कि आहूजा की DX 3500 भी ले सकते हैं। उसके अलावा फ्रेंड्स, आप अदर एम्पलीफायर जो टॉप के लिए बेस्ट है वो भी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हमारे इस टॉप के पेयर की प्राइस की। तो फ्रेंड्स, प्राइस अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर रहा हूँ, वहाँ जाकर आप इसकी प्राइस का चेकआउट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हमारे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय, टाटा।